सोलन के कोटला नाना में एक युवती शालू पर एक युवक ने जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार एसपी रेजिडेंट के समीप सड़क पर युवती पर पंजाब का युवक चाकू से वार कर रहा था और युवती ने चीखते चिल्लाते हुए वहीं एक दुकान में शरण ली, लेकिन वीक ऑफ युवक फिर भी नहीं रुका और दुकान में ही युवती पर वार करने लगा। दुकानदार ने सनकी युवक को रोकने का प्रयास किया, जिस पर युवक ने दुकानदार को भी घायल कर दिया। फिर महिला पर चाकू से कई वार किए और उसे अधमरा कर वहां से भागने में कामयाब हो गया। सूत्रों की माने तो युवक और युवती के बीच पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उनके बीच में कुछ अनबन होने की वजह से सनकी युवक ने युवती पर हमला बोल दिया। सनकी युवक पंजाब पुलिस का बताया जा रहा है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। वहीं इस घटना में घायल चश्मदीन दुकानदार सुनील शर्मा ने बताया कि जब वह दुकान में था तो एक युवती जिसका नाम शालू है वह चीखती हुई उसके दुकान में आ घुसी और जो घायल अवस्था में थी उसके पीछे पीछे एक युवक हाथ में लंबा चाकू लेकर उसकी दुकान में घुस गया और उस पर चाकू से वार करने लगा। युवती पर हमला देख उसने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन युवक ने उस पर भी हमला कर दिया जिसकी वजह से वह भी घायल हो गया। फिर युवक ने युवती पर चाकू से कई बार किया और युवती को अधमरा कर दिया और वहां से भाग गया। एसपी रेजिडेंट के समीप इस तरह से सड़क पर सरेआम महिला पर चाकू से हमला कर युवती को जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसके बाद युवक भीड़ भाड़ वाले इलाके से भागने में भी कामयाब हो गया। हैरानी वाली बात यह है कि एक तरफ कुछ मीटर पर जहां एसपी रेजिडेंट है वहीं पर दूसरी ओर कुछ मीटर पर पुलिस थाना भी है। दोनों के बीच इस तरह दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है और हमलावर वहां से भाग भी जाता है। इस घटना से सोलनवासी बेहद खौफ में है और ये घटना पुलिस सुरक्षा प्रणाली पर भी कई सवाल खड़े करती है। कुछ समय पहले ही घटना शांति में भी हुई थी, जिससे जिम ट्रेनर की हत्या सरेआम सड़क पर की गई थी और उस घटना में भी आरोपी भागने में कामयाब हो गए थे। सर, मैं अपनी दुकान में था, वो लड़की ऊपर से कहीं खदेड़ी, उसने उसके पीछे से लड़का था, उसके पास चाकू था और मेरी दुकान में घुस गई अंदर डर के मारे। तो मैंने पहले बोला, मैं कहा भाई साहब मारो मत, मैं कहा, वो मेरे को मारने पड़ गया तो सीधा उसने यहाँ गिरी छोड़ी मेरे को चाकू से, बहुत बड़ा चाकू था। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल, मेरी यहाँ लग गई, मैंने उससे बड़ी मुश्किल पकड़ाई ऐसे करके, फिर वो छूट गया बाहर। दो बंदे खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, तब तक वो निकल गया, भाग गया नीचे। फिर मेरे को तो अंगूठी नीचे झूली हुई थी, तो मतलब उसको पहले प्यार से मैं कहा भैया छोड़ो, उसने बिल्कुल भी माना, उसने मेरे को फिर मेरे को हो गया, वो मेरे को मार रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको पकड़ा। फिर मेरे को यहाँ दो जगह की चोट लग गई, फिर मेरे सामने मारे दो तीन बार वो ऐसे पेट में ऐसे करके मार रहा था, तब मैंने उसको, मेरे को दया आई लड़की पे, मैंने फिर उसको जैसे कैसे बचा लिया। सर, मैं तो लड़के को जानता नहीं हूँ, लड़की बता रही थी अभी अंदर की चंडीगढ़ से लड़का, वो तो मेरे को भी मारने के चक्कर में था बंदा, बंदी तो मेरी से बची हुई है, बट मेरे को भी मारने के चक्कर में था बंदा।